नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ETF जंक्शन चैनल। आप सब ने शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया है और इसके बारे में अच्छी तरह जानते भी हैं। आइए आज हम बात करते हैं एक नए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है ETF। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ETF एक इम्प्रोवाइज वर्जन है स्टॉक और म्यूचुअल फंड का। इसमें कुछ गुण म्यूचुअल फंड के और कुछ गुण शेयर मार्केट के हैं, और ये जब प्रोडक्ट बनता है इसमें दोनों के अच्छे गुणों का समावेश है। ETF आजकल खबरों में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है, और हम सब जानना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट है क्या, काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, और ये कैसे हमारे पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न दे सकता है। जैसा कि ETF, इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और वो एग्जैक्टली यही करता है जैसा इसका नाम है। ये शेयर की तरह मार्केट में ट्रेड होता है और आप जब चाहें स्टॉक की तरह इसे खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप इसके फीचर्स में देखें, इसमें फीचर्स में म्यूचुअल फंड का भी एक पार्ट है। ये एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होता है, ये बास्केट ऑफ स्टॉक होता है जो बिल्कुल शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें, ETF इज ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज विच वर्क एग्जैक्टली लाइक ए स्टॉक। ये सिक्योरिटी क्या होती है? ये सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के लायक जो भी चीज़ें हैं, जैसे डेट, एक्विटी, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। ETF में म्यूचुअल फंड और स्टॉक के दोनों फीचर सम्मिलित होते हैं। ये बिल्कुल स्टॉक की तरफ ट्रेड करता है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आवर के समय कभी भी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है ताकि इसकी पोर्टफोलियो आप जब चाहें अवेलेबल होती है, और इसकी प्राइस आप कभी भी देख सकते हैं। देयर इज़ नथिंग विच इज़ हिडन, इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। आइए देखते हैं ETF के फ़ायदे क्या हैं। एक म्यूचुअल फंड में 5, 7, 10, 20, 25 स्टॉक होते हैं जो कि इसकी रिस्क को कम करता है। ठीक ETF में भी एक स्टॉक नहीं, 5, 7, 10 स्टॉक होते हैं जो कि इसकी रिस्क को कम करता है और रिटर्न को बेहतर बनाता है। दूसरा फायदा ये है, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है या एक स्टॉक की इनहेरेंट स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो उसके प्राइस ऊपर जाते हैं, ठीक उसी तरह ETF में जो उसके अंडरलाइन सिक्योरिटीज़ हैं, अगर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो वो पूरे ETF की वैल्यू ऊपर जाती है, और जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू नीचे जाती है। ETF दो प्रकार के हैं, एक्टिव ETF और पैसिव ETF। एक्टिव ETF जस्ट लाइक प्योर म्यूचुअल फंड इज मैनेज बाई पोर्टफोलियो मैनेजर। पैसिव वो सिर्फ बेंचमार्क को ट्रेड करता है, बेंचमार्क को कॉपी करता है और बेंचमार्क के साथ मूव करता है। आज अगर आप देखें ETF ट्रांसपेरेंट है, बहुत अफोर्डेबल है, इसमें काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये कारण है कि ETF रोज़ रोज़ सुर्खियों में बना हुआ है और हर पोर्टफोलियो में धीरे धीरे जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप भी एक अपने पोर्टफोलियो में ETF ज़रूर लें और इसका फ़ायदा लें। धन्यवाद।